तो ऋतु जी हमें बताएंगे किस तरीके से वाइन को पी जाते हैं, क्योंकि यार ये ना वोडका का टकीला नहीं है कि उठाया ग्लास डाली और पी गए, नहीं भाई इसको टेस्ट करने का तरीका है। सोविग्नॉन ब्लॉन्क जो है वो एक व्हाइट ग्रेप वैरायटी है। BLANC ब्लॉन्क किसी भी वाइन की बोतल पे पड़ेगी इसका मतलब होता है व्हाइट। जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो होते हैं 4S, फिफ्थ S भी होता है लेकिन विल स्टिक टू 4 फर्स्ट। सभी 4S में पहला क्या होगा, फर्स्ट इज टू सी। वाइन के ग्लास को ऑब्वियसली ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ेंगे तो बॉडी हीट उस टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर देगी। वाइन चिल सर्व की जाती है, अगर आपको उसको ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी पाम की जो हीट है वो ग्लास में चली जाएगी और वाइन जो है वो वार्म हो सकती है। सो ये कूल लगता है लेकिन हमेशा ग्लास को ऐसे पकड़ना है। मतलब तरीका भी है भाई पकड़ने का ना, ऐसे। यस, दिस इज द राइट वे। राइट, अब पहला एस होता है टू सी। टिल्ट योर ग्लास अ लिटिल, पहले थोड़ा टिल्ट कीजिए अंडर द व्हाइट बैकग्राउंड। आगे को? यस। अच्छा, अब देखिए कि वाइन क्लियर है या नहीं। कोई सेडिमेंट पार्टिकल दिखता है इसका मतलब वाइन क्लियर नहीं है। और ये सुला की वाइन है सो ये अच्छे से फिल्टर्ड है, सो यू वोंट फाइंड एनी सेडिमेंट्स। हां, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, अगर तुम्हारे कभी दोस्तों की लड़ाई हो रही है ना, दो दोस्तों की लड़ाई होगी तो तुम उसको ना बार में ले जाना और उसको बोलना भाई मेरे को सुला की वाइन पिलाओ। क्यों? वो पूछेगा क्यों, तो तुम बोलना क्योंकि हमें सुलह करनी है। सुलह पी के सुलह हो जाएगी ना। पेल येलो कलर दिख रहा है, गोल्डनिश येलो कलर, गोल्डनिश येलो, ये सारे कलर का मतलब होता है व्हाइट, जब हम लोग वाइन्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें कोई बबल नहीं है, राइट? नहीं है बिल्कुल भी। तो इस ग्लास को स्वर्ल किया जा सकता है। जिन वाइन्स में बबल होते हैं वो होती है स्पार्कलिंग वाइन। तो इसको स्वर्ल कीजिए अच्छे से, फिंगर्स मूव कीजिए, हाथ मूव करेंगे तो इवन स्वर्ल्स नहीं आएगी। सो कितना तरीका देख रहा है, कैसे, सॉरी, इसको जैसे आपने अभी स्वर्ल किया वैसे ही फिंगर्स को मूव करना है। अभी क्या होगा, एयर अंदर जाएगी, वाइन जो है अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। अब जो फोर्थ एस होता है टू स्मेल, ब्रिंग इट क्लोजर टू योर नोज, विस्की की तरह इसको स्मेल नहीं करना है, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये वाइन है तो इसको स्मेल कैसे करेंगे, अपर लिप जो है वो रिम ऑफ द ग्लास, नियर द रिम ऑफ योर ग्लास, नोज कम्प्लीटली इनसाइड। अब जो लास्ट एस है, जो फोर्थ एस है हमारा, दैट इज टू सिप। सो चीयर्स टू यू, टेक अ स्मॉल सिप। छोटी पीने, छोटी सी पीने। और जो ये कह रहे थे ना इसको स्टर करनी है, वैसे मत करना कि जब तुम्हारे पानी के ग्लास के अंदर चीनी थोड़ी सी रह जाए तो तुम उसको हिलाते रहते हो जब तक वो घुल ना जाए, ऐसा नहीं। इसको अच्छे से प्यार से ऐसे स्टर करना है और फिर ऐसे स्मेल करना है। And then take a sip. मेरे को तो नशा हो गया पीते ही, ऐसा कुछ नहीं, बता कर रहा हूँ। इसको फिर सिप करने हैं। Yes. ऐसे ही पहली बार पीने जा रहा हूँ, सीधा नेशनल टेलीविजन पे। मम्मी को भी, मम्मी मारेगी मेरे को घर जाते ही, मम्मी मारना। माउथ में होल्ड कीजिए, समटाइम रोल कीजिए आपकी टंग की मदद से। सो हम लोग यूजुअली जो चाय के साथ करते हैं स्विश करके पीते हैं, राइट? एक स्विश करके पीजिए। जी बिल्कुल, स्विश करके पिएगा ना तो माउथ वाटरी होगा। जितना ज्यादा वाटरी माउथ होता है उतना ज्यादा एसिड वाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, पता चलता है। जैसे अल्कोहल लेवल बढ़ता है वो वार्म सेंसेशन और इंक्रीज होती है। मुंह में डाल के थोड़ी देर टंग को रोल करना है। अब चलते हैं फिफ्थ एस की तरफ, जो मैं आपको बताऊंगी। हमने 4S तो डिस्कस कर लिया। फिफ्थ एस जो होता है वो होता है टू स्पिट। प्रोफेशनल टेस्टिंग्स में स्पिट, यस, जहाँ पे 30-40 वाइन टेस्ट करने के लिए होती है, समझ लीजिए कोई इतनी सारी वाइन कंज्यूम करेगा, ही और शी माइट गेट ड्रंक, राइट? तो उस वक्त जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है टू स्पिट। अब इस वाइन में था 12.5% अल्कोहल, 1 ग्राम पर लीटर शुगर, तो ये थोड़ी कड़वी थी पैलेट पे, राइट? टंग पे। ये वाइन का कड़वापन होता है बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एज टैनिन। टैनिन? टैनिन्स। अच्छा, टैनिन्स, राइट। लेकिन वाइन को बिटर नहीं बोलते, अगेन थोड़ा रूड लगता है, राइट? सो यूज सम रिस्पेक्टेबल वर्ड्स, इसको जेस्टी बोल सकते हैं। सही बात। सो ये वाइन जेस्टी थी। ये है रेड वाइन। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो एक बॉटल होती है ना, जैसे ये बॉटल है तो इसका ml जो होता है वो 750 ml होता है एक बॉटल का, और इसके अंदर 736 ग्रेप्स को पीसा जाता है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, है ना? Yes. अप्रोक्स, बिकॉज़ इतनी बड़ी मशीन में कौन गिनने बैठेगा भाई 786 ग्रेप्स, राइट? अब ये रासा कैबर्ने सोविग्नॉन है, ये हमारी बेस्ट रेड वाइन है। नाउ व्हेन आई से बेस्ट रेड वाइन, इसकी एजिंग ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, रेड वाइन्स में यूजुअली अल्कोहल ज्यादा होता है। जो मार्केट में आपको रेड वाइन्स मिलती है ना वो होती है पोर्ट वाइन, उनमें एक्सटर्नल शुगर ऐड किया जाता है। अगर आप हेल्दी वे में वाइन कंज्यूम करना चाहते हैं तो ड्राई रेड वाइन लीजिए। जब आप गोवा जाओगे तो वहाँ पे ज्यादातर आपको पोर्ट वाइन ही मिलती है और पोर्ट वाइन ही लोग लेते हैं, उसके अंदर आप कह रहे शुगर ऐड होती है। यस, एक्सटर्नल शुगर एडिशन की जाती है, इनके अंदर नहीं होती। नहीं सर। और भाई एक बात और बताऊंगा, रेड वाइन से क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल रहता है, ऐसा डॉक्टर्स कहना है, गूगल का कहना है, मेरा कहना नहीं है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मत बोलना कुछ भी। सो अब हम लोग रेड वाइन टेस्ट करने वाले हैं। जो पोर करने के लिए रेड वाइन को मैं यूज कर रही हूँ ये डिकैंटर है। डिकैंटर, डिकैंटर क्या करता है, वाइन को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं आपको थोड़े बड़े बोल वाले ग्लासेस दिए जाते हैं, राइट? रेड वाइन सर्व करने के लिए, उसके पीछे रीजन ये है कि जितना बड़ा बोल होगा, जितना ज्यादा सरफेस, उतना अच्छे से वाइन ब्रीथ कर पाएगी। अब ये एक रेड वाइन है तो पहले कलर देखिए। आ गया, मेरे को सीख लिया भाई तुम्हारे दोस्तों ने, पहले वाइन को देखना है, फिर पार्टिकल चेक करने हैं, राइट? फिर इसमें तो इसमें जो झाग है वो पोरिंग की वजह से आया। अच्छा, पोरिंग की वजह से आया वैसे। अच्छा, उसमें वैसे ही आ जाते हैं, राइट? ठीक है, अब इसको स्वर्ल कीजिए, बट इसको थोड़ा ज्यादा स्वर्ल करना है, ये रेड वाइन है।
तुम दिखा भी सकते हो, जैसे कहीं तुम मान लो तुमने ली रेड वाइन, तो ऐसे ऐसे हिला हिला के दिखाते हो जाओ लोगों की भाई तुमने रेड वाइन लिया, और ऐसे हिलाते हिलाते पीते चले जाओ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। अब एक सिप लीजिए। सिप लेने के बाद ये वाइन आपके गम्स को ड्राई करेगी, गम्स को ड्राई कर देगी। जो जामुन खाने के बाद आपको गम ड्राई सेंसेशन आती है, हाँ हाँ। वैसा सेंसेशन इस वाइन से आएगा, क्योंकि इसमें टैनिन ज्यादा है। और मैं इसको स्पिट करूंगा, पीऊंगा नहीं, नहीं तो मैं चढ़ जाएगी। एक छोटा सिप लीजिए, रोल कीजिए उसको अच्छे से, एंड देन यू कैन स्पिट इट आउट। आपको वो गम ड्राई सेंसेशन आएगा कि माउथ ड्राई हो रहा है बहुत ज्यादा, जीभ सूख गई पूरी, जैसे जामुन खाने के बाद होती है। अब रेड वाइन जो होती है थोड़ी बिटर होती है, कड़वी, बट इनको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हाँ। आपके हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में एक बॉटल खत्म करनी है। ये नहीं है कि तुमने पी और पीते गए और कोई पूछ रहे कि भाई दारू का पी रहे हो, तो भाई मेरे को तो डॉक्टर ने कही इसलिए, फिर ऐसा नहीं है भाई। ये हम दिखा रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे कि आप पियो। तो ये थी हमारी व्हाइट वाइन, ये थी हमारी रेड वाइन। मैं इसको चेयर्स करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ऐसे ज्यादा नहीं मारना, आराम से अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो शराबी हैं, जिनको पसंद है वाइन, दारू, ये सब देखना। और वीडियो को जल्दी से अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। मिलते हैं तुमसे एक बढ़िया सी और वीडियो में। बाय।